साजिद रशीदी जी जरूरी है क्या ये फतवे? ये इतनी कट्टरता क्यों? जी बोले। देखिए, दोनों के दोनों गलत हैं। उमेर इलियासी भी गलत है, हाँ। और जिसने फतवा दिया वो भी गलत है। ये दोनों की मिली भगत है। सही कौन है? दोनों जानबूझकर दोनों ने ये खेल खेला है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। सही कौन है फिर? सही तो आप हैं। शुक्रिया। चारों आचार्यों पर राष्ट्रवाद की बात करने वाले को आप सही कह रहे हैं, आपका प्राण प्रतिष्ठा की मैं बता रहा हूं। अरे मुझे बोलने दोगे या आप ही बोलोगे? नहीं बोलने दोगे या आप ही बोलोगे? साजिद जी बोलिए, बोलिए, वक्त है, पूरा बोलिए, पूरा वक्त है, बोलिए। देखिए, चारों शंकर आचार्यों ने बाकायदा मुखालफत की है प्राण प्रतिष्ठा की, उस पर तो किसी चैनल ने डिबेट नहीं की, और खास तौर से टाइम्स नो भारत ने नहीं की, टाइम्स नो नौ ने नहीं की, इंग्लिश वाले ने। आपने उसको लेकर जानकारी नहीं, सुनिए सुनिए, उस पर कितनी बार बात हुई है, या तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर आप सवालों के जवाब सही सही नहीं देते, तो इसलिए शायद देखना भी पसंद नहीं करते होंगे, कोई और देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पर खूब बात हुई है, अच्छे से बात हुई है, सभी वरिष्ठ लोग बैठे हैं, सभी की बात हुई है। मुझे आप ये बताइए कि ये क्या है हिमांशु, ये मोहब्बत? अगर राष्ट्र को जोड़ने की बात करते हैं तो उनके खिलाफ फतवा क्यों? बस ये बताइए आप, इधर उधर मत जाइए। हिमांशु मेरी बात सुनो, एक तो पत्रकारों ने जिस तरह से हिंदुस्तान का वातावरण खराब कर रखा है ना, ये छोड़ दीजिए, ये आपका काम नहीं है, मुझे नेताओं का काम है, खराब कर दिया। पत्रकारों का काम है सीधी बातें करना, सुनिए 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 सुनिए, अब आप पत्रकारों पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नेताओं का काम है नफरत फैलाना, मुझे ये बताइए, इलियासी उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उनके साथ में जितने भी मौलाना साथ आ रहे हैं, जो मुस्लिम संगठन साथ आ रहे हैं, वो भी गलत है, हम भी गलत है, सही कौन है? आप सही है, जो तमाम मुस्लिम साथ में खड़े हैं इलियासी के, वो सब गलत है। सुनिए उमेर, सारे देश का मुसलमान तोड़ना चाहता है, आपने जो जकड़ा हुआ है, वहां गए हैं वो उनकी उनका अपना निजी अमल है। अरे सुनो यार, शब्द हम बीच में नहीं बोला करते, नहीं नहीं बोलिए बोलिए, अपना निजी अमल है, हिंदुस्तान के संविधान में सबको इख्तियार है, वो हिंदू बने सिख बने, हिंदू बने सिख बने, बौद्ध बने जैन बने, कुछ भी बन जाए वो, कौन मना करता है किसी को, कोई कहीं भी जाए, फतवा उन्होंने खुद अपने इसमें दिलवाया है। अच्छा, फतवा खुद अपने आप, ये देखिए फिर वही बात है, वो ये वही बात है, खुलकर नहीं बोल पाते तो ठीक है, फतवा अपने आप को दिलवाया है, जो भोपाल के विधायक है कांग्रेस के, उनमें और इनमें क्या अंतर है? मानशु भाई बस एक सवाल पूछ दीजिए कि सेक्युलर हैं ये लोग, उसने क्यों दिया फतवा, किसने दिलवाया, उससे बयान लो ना, सुन तो लो, ऊपर तो मत बोलो, रुकिए रुकिए, साजिद रशीदी भाई आप सेक्युलर हैं या नहीं? अरे फतवे की कॉपी कहाँ है वो दिखाइए ना हिमांशु। अरे सब दिखाया भाई, एक बार दिखाया, एक बार ये भी दिखाया, अभी भी दिखाया, आप दिखाई, अभी फिर से न्यूज़ पढ़वाते, रुकिए रुकिए, फिर से दिखवाते, कहाँ है, बस इनसे ये पूछिए, रुकिए सबसे बात करने दीजिए, बस इनसे ये पूछ दीजिए, सुनो सुनो, नहीं नहीं, अरे विजुअल नहीं, सुनो मेरी बात, क्या ये क्या देख रहे हैं, क्या होता है जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, फतवा क्या होता है सुनिए पहले, अरे मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए, सेक्युलर है आप या नहीं है? फतवा क्या होता है, क्या होता है, अरे हाजी भाई आप सेक्युलर हैं या नहीं है? ये हिंदी है ये? अरे शबनम आपको सुनो यार, ये हिंदी है भाई, आप सेक्युलर हैं या नहीं है? ये क्या सेक्युलर है, तो जय श्री राम का नारा लगा के बताइए, फिर आपका सेक्युलरिज्म देखा जाए, छापा छोड़ते हैं, नहीं देता कैसे लगा देंगे इजाजत, वहां पर जाने वालों पर फतवा जारी, सब कुछ चाहते हो, हिंदुओं से सब कुछ चाहिए आपको, वहां पर जाने वालों पर फतवा जारी, भाई आपको सारी चीजें दे दे, हिंदू को हिंदुस्तान दे रहा, हिंदू को दे रहा, सेक्युलरिज्म दे रहा, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, देश की देश को अजय जी अजय वर्मा जी, ये आरिफ साहब क्या बोल रहे हैं कांग्रेस विधायक, कि खुद से फतवा दिलवा दिया उन्होंने? जी मुझे देखिए हिमांशु जी, आप एक वरिष्ठ ब्राह्मण एंकर हैं और बढ़िया एंकर हैं और युवा एंकर हैं, मैं लेकिन मैं आपको एक नया रेस्टो उद्घोटन इस चैनल पे करना चाहता हूं। अरे भाई ये मैडम आप बीच में ना बोले, आप बड़ी ज्ञानी महिला हैं, थोड़ा सुन लीजिए, आप सुन लीजिए जरा, तो हिमांशु जी बीच में ना बोले, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, ये अच्छा नहीं लगता, ये कटसी के अगेंस्ट लगता है।
मैं ये बताना चाहता हूं कि ये फतवा ये पाठ्यक्रम भाजपा और उसके आईटी सेल का नया पाठ्यक्रम है, नया सब्जेक्ट आया चुनाव जीतने के लिए। अच्छा, क्योंकि भाजपा इंडिया गठबंधन से इतनी घबराई हुई है देश में कि ऑपरेशन लोटस चला के चुनी हुई सरकार बिहार में गिरा दी, अब झारखंड में गिराने की तैयारी है। ऑपरेशन लोटस, ऑपरेशन ईडी, ऑपरेशन सीबीआई। तो ये फतवे वाला पाठ्यक्रम नया इसलिए आया है कि हिंदू मुस्लिम के मूवमेंट के तहत आप ये कुछ नहीं है, सब इनके दिमाग की उपज है कि भेज दो और फिर एक नया डायलॉग ये मार दो और शाम को इसे बंद करा दो। तो ये डायलॉग जो है, अरे भाई बीच में ना बोले, आप उनके एजेंट ना बने, थोड़ा सुन लीजिए। कहां पर ये नया पाठ्यक्रम भाजपा का आया है लाने के लिए, तो लाना पड़ेगा नया। मुझे ये बता दीजिए कि इतने सारे लोग एकजुट हुए, सुनिए ना, इतने सारे लोग एकजुट हुए देश की, अगर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कोई शामिल हो रहा है तो उस पर इस तरह से फतवा जारी करना क्या ये गलत है या सही है, मुझे बस ये बताइए। अजय जी, अरे हिमांशु जी, वो पूछ रहे हैं आपसे, दो 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 मुस्लिम स्कॉलर पूछ रहे हैं फतवे की कॉपी दिखा दो, तो इन्हें दिखा दो, दिखा तो रहे आपको, शायद आपको भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिखा पा रहे हैं, दिखा रहे हैं ना, सुनिए लगातार दिखा रहे हैं। हाजी खान साहब ने भी देखा, अभी उसकी क्या है, उर्दू अभी मैं पढ़ नहीं पाता, देखिए मेरे को उर्दू पढ़ नहीं, नया पाठ्यक्रम भाजपा का है ये।